तुम जानती हो आज तुमने पहली बार अपनी बीवी होने का हक जताया। निशा को यहाँ देखकर तुम परेशान हो, पता नहीं क्या बुरा भला होने लगा। पहली बार तुमने मुझे छोड़ देने की धमकी भी दी। धमकी तो नहीं, अरे बात तो की ना, पर मुझे अच्छा लगा। अच्छा ये बताओ तुम मुझे जानती कितना? पता नहीं, वही कॉल करी ना। उठाओ और उसको बताओ तुम्हें बीजी। मैंने तारुफ तो बहुत अच्छा करा है ना, कह रहे थे कि तुम वही कजन हो जिसने अपने सगी बहन के शोहर से शादी करी। काफी शर्मनाक तारुफ है वैसे। और आपका तारुफ क्या है? क्या लगती है आप अहमद की? मैं बीवी हूँ अहमद की। जायज और कानूनी बीवी तो इंसान किसी को भी बना लेता है, मोहब्बत तो नहीं होना। मोहब्बत तो आज तक अहमद सिर्फ मुझसे ही करता है। तुम्हें तो पता है ना कितनी पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ा था। अरीज़ अगर तुम मुझे इतना सब ही जानती तो बहुत अच्छी तरह जानती होगी कि मैं एक बार जो रास्ता छोड़ता हूँ दोबारा उस पर नहीं जाता। और निशा को मैं 2 साल पहले छोड़ चुका हूँ। उसकी मेरी जिंदगी में, मेरे इस घर में कोई गुंजाइश नहीं। वरना वरना क्या करोगे तुम? हाँ मुझे घर से निकालोगे तुम? मैंने तो अपनी सगी बहन को बर्दाश्त किया, तुम क्या चीज हो? मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करेगी से मैं देखती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तुम अहमद के घर गई हो ना? क्यों गई हो? मेरी मर्जी, मेरा कजन है, वो जा सकती हूँ, मिल सकती हूँ। कजन या एक्स मंगेतर? तारुफ ऐसे बुरा नहीं है। एक तारुफ ऐसे नाकाम आशिक का नहीं। क्या करने गई थी तुम वहां? क्योंकि अभी तक इनका दिल नहीं भरा दूसरों की जिंदगियां खराब करने से। अरे मुझे तो ये नहीं समझ आते कि आपसे अपनी बीवी संभाली क्यों नहीं जाती? क्या करने आते हैं यहाँ पे आधी आधी रात को अमर के पास? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में मेरे शोहर के सामने इस तरह से बकवास करने की? हाँ अरे मुझे तो तुम्हारी हिम्मत पे हैरत हो रही है निशा। कोई शर्म नामी चीज नहीं है तुम्हारे अंदर? करने क्या आती हो तुम यहाँ पे बताओ मुझे? बकवास बंद करो अपनी। निशा चलो यहाँ से। सच हमेशा कड़वा होता है, बराए मेहरबानी अपनी बीवी को संभालिए आप। आप काइंडली तमीज से बात करें। खुदा की कसम मैं बहुत तमीज से बात कर रही हूँ। एक और बात मेरी सुन लीजिए, वो मिशा थी जो खामोशी से आपकी जिंदगी से चली। मैं अरीज़ अहमर के साथ कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मार भी सकती हूँ मैं। पप्पू आप परेशान मत हो, मैं 15 मिनट में आपके पास पहुंच रहा हूँ, आप हौसला रखें। इसे हौसला करो बेटा,
तो बिल्कुल ही हाथ पांव छोड़ के बैठ गए। अस्पताल में नहीं जाना चाह रहे, समझ में नहीं आता मैं करूं क्या। पप्पा बिल्कुल परेशान मत, मैं डॉक्टर को लेके सीधा आपके पास आ रहा हूँ, आप बस पप्पा जान के पास रहे। जल्दी से आना बेटा। जी। उसे दिल की हालत देख नहीं जाती, मेरा दिल बैठा जा। मैं तंग आ चुकी हूँ आपकी इन बातों से हसबैंड। इन्हीं बातों की गुनगाए करती थी, तुम ही कहती थी कि मीनू को मेरी कदर, मैं तो तुम्हारे जैसी बीवी डिजर्व करता हूँ। गलत कहती थी ना, और अब एहसास हो रहा है कि मैं गलत थी, क्योंकि मैं पछता रही हूँ आपसे शादी। पछता रही हो तुम? हाँ पछता रही हूँ, और अब आजाद होना चाहती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा, कैसा होना चाहिए? मतलब ये कि मुझे तलाक चाहिए। तुम होश में तो हो? हाँ होश में, और खुदा का वास्ते मेरी जान छोड़ दे। अब किसके लिए छोड़ दूँ तुम्हें? हाँ ताकि दोबारा तुम एनर के पास चली जाओ, इसलिए। मैं जिसके पास भी जाऊँ वो आपका मसला नहीं है, मैं बस आपके साथ अब नहीं रहना चाहती। मैं एक मिनट आपको और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक कहा था आपने, पछता रहा हूं मैं। बहुत पछता रहा हूं हीरे को छोड़कर पत्थर खरीद लाया। आप जहां जा रही हैं बता तो दें मुझको। अहमर के पास। गेस करेंगे क्या है? क्या है? आपसे पूछ रही हूँ, आप बताएं ना। प्लीज मुझे इम्तिहान में मत डाला करो, मैं बहुत कमजोर हूँ इन बातों में। आपको याद है किंजापा ने मुझे गिफ्ट लाना था, तो मैंने ये ले लिया। वाह! लेकिन तुमने मेरे नाम का लॉकेट क्यों लिया? अपने नाम का लेती ना। मेरा नाम तो मेरे पास है ना, मुझे आपका नाम अपने साथ चाहिए। अब मैं चाहती हूँ आपका नाम हमेशा मेरे साथ रहे। मैं मर भी जाऊँ ना तो आपका नाम उस अलग मत कीजिए। तुम क्या फजूल बातें शुरू कर देती हो? क्यों करती हो? क्यों, मरना तो है ना एक ना एक दिन। कितना अच्छा होगा अगर आपसे पहले मैं मर जाऊं। मीनू अगर तुम्हें ये फजूल बातें करनी तो प्लीज चली जाओ, मैं बिजी हूं। अच्छा ना, सॉरी, नाराज क्यों हो रहे हैं?
इतनी बार कहा ऐसी बातें मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, तकलीफ होती है। जानती हूं कि आपकी जान मुझ में बसती है, अगर मुझे कुछ भी हो गया ना तो आप मर जाएंगे। जानती हो तो प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। Give me your hand. तुम्हें पहना अच्छा है ना सर? बहुत कोई काम था? क्या मतलब कोई काम था? सोना नहीं मुझे। कहाँ सो गए? हाँ यहाँ, मैं जब भी यहाँ आता हूँ इसी कमरे में रहता हूँ, इसी बेड पर सोता हूँ। मैं कहाँ सोऊंगी? यहाँ सोफे पर। यहाँ चादर बिछा सकती हो तुम, पर कॉकरोच और छिपकलियां हैं थोड़ी इस कमरे में, तो वैनिश हो जाएगा। नहीं मैं यहीं सोऊंगी, आप वहां सो जाएं। वैसे भी पहली बार यहाँ रुक रही हूँ, पता नहीं नींद आएगी या नहीं आएगी। कोशिश करो नींद आ जाएगी, और घबराने की जरूरत नहीं। मैंने पापा जान को मेडिसिन दे दी, मैं उसके बाद सोऊंगा। ठीक है, ख्याल रखना। सुने यहां वाकई छिपकलियां और कॉकरोचेस होते हैं? नहीं, यहां कुछ भी नहीं है। एक बात बताओ, मुझ जैसे भूत से हर वक्त लड़ती रहती हो और कॉकरोच से डरती हो, कमाल है।
सो जाओ आराम। डॉक्टर जैदी से अपॉइंटमेंट ली है, इंशाल्लाह शाम को इनको हॉस्पिटल ले जाएंगे। पापा जान मैं अमर, आपने बुलाया था ना मुझे। देखिए मैं आ गया। पापा जान ऐसे मत कहें, अम्मी ने आपको माफ कर दिया था, प्लीज। नहीं पापा जान, प्लीज। खोले ना आगे, इन्हें क्या हो गया अमर? डॉक्टर के पास लेके चलते, चलो वो चले गए। नहीं आप कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? Thank you.
लेकिन आपने हिम्मत करनी है। पप्पू को संभालना है। एक के बाद एक दुख ने उन्हें ढा दिया है। उन्हें संभालना है आपने, उनकी हिम्मत बन। हेलो अहमद, तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ लेकिन तुम घर में मौजूद नहीं हो। असबंदे ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे कहते हैं कि तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, जाओ अहमर के पास। अब तुम कहाँ हो, मुझे लेकर जाओ ना यहाँ से। इंशा मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। तो तुम मुझे एड्रेस भेजो, मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं ले जाना चाहते तो मुझे किसी दारुल अमान का नंबर दे दो, मैं चली जाऊंगी। क्योंकि यहाँ तो मेरा कोई ठिकाना नहीं है, वो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। निशा मैं पापा जान के घर में हूँ। तुम घर पे क्या कर रहे हो? पापा जान की डेथ हो गई। बस थोड़ी देर में जनाजा उठेगा। बाबा खबरदार, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया होगा तुमने। क्यों आई है यहां पर? क्यों आई है मेरे घर में? क्यों आई है मेरे घर में? ये किसने बुलाया इसको यहां पे? तुमसे पूछ रही हूं अहमर, क्यों आई है ये? तुमने बुलाया क्या इसको? निकल जाओ यहां से, चली जाओ यहां से। आपको कब्र में पहुंचा दिया, इसके पहुंचा दिया आगे हमें। निकालो इसको बाहर, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। निकालो इसको बाहर। तुमने सुना नहीं? निकलो यहां से। मैं कहती हूं पप्पा जान की जिंदगी को तो तमाशा बनाया था, मौत को भी बनाओगी क्या? निकलो यहाँ से। हाथ छोड़ो मेरा और मुझसे दूर खड़े रहो, आई समझ तुम्हें? अहमद खुदाओ के इसको निकालो बाहर, तुम्हारे पप्पा को हसीयत तो नहीं होगी। बड़ी हसीयत में गए वो यहाँ से, क्या मरने में भी चैन नहीं मिलेगा उनको?
ईशा प्लीज तुम यहाँ से मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। हमें मुझे देख ली तो एक बार नहीं देखेगी ये उनका मुंह कभी नहीं देखेगी। जायन कहेगी बर्बाद कर दिया हमें, पहले बहन को खा गई फिर बाप को खा गई, अब क्या करने आए हैं यहाँ पर, निकल जाइए यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि ये मेरे बाबा हैं। खबरदार जबान खींच लूंगी मैं। बाप बड़ी आई बाप वाली, तेरा बाप नहीं था तो कुछ नहीं लगती हमारी, निकल जा यहाँ से, दबा हो जा, दबा से मुझे तेरी शक्ल से, मुझे नफरत है तुझसे। ईशा प्लीज तुम यहाँ से जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी हमें, मेरे बाबा हैं मुझे देखने तो दो। किस कदर ढीठ लड़की है, बाप के मुंह पर कालक मलकर चली गई अब फिर आ गई है मुंह उठाकर यहाँ। कितनी जिल्लत और रुसवाई दी है तुमने खानदान को, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अरे कयामत की निशानी है, अपनी सगे बहनोई के साथ भाग गई, तौबा तौबा अल्लाह माफ करे। अमर जनाजा उठाने का वक्त हो गया, रास्ता दें, आइए आप लोग। ऐसे तो नहीं, मैं एक बार तो देखूंगी बाप है मेरा। चलो यहाँ से, क्यों पप्पो जान को तुम सदमे से मारना चाहती हो ये सब करके, चलो यहाँ से निकलो। कलमाए शहादत, कलमाए शहादत, कलमाए शहादत, कलमाए शहादत, कलमाए शहादत, कलमाए शहादत, कलमाए शहादत। जिंदगी में इतने सारे गम देख लिए इस घर ने, तुम क्यों रो रही हो, किसके लिए? पापा चले गए, यही कहा ना तुम बाबा, तुम तो सब रिश्ते तोड़ गई थी उनसे। जिस शख्स को मैं मनु मट्टी तले दफना कर आ रहा हूं वो तो कब का मर चुका था, पहचान तब मर गए थे जब तुम उनकी इज्जत को मट्टी में मिलाकर इस घर से भागी थी।
तब तक मरते थे जब उनके सामने मीनू पल पल मरती थी। मरे होंगे जब मीनू की लाश को कंधा दिया होगा उन्होंने। निशा, तुमने कभी किसी लाश को मैयत उठाते देखा? मैंने भी नहीं देखा। जब पापा जान ने मीनू की मशीन को कंधा दिया होगा कुछ ऐसा ही होगा। ताल्लुक सारे रिश्ते तोड़ के चली गई थी। खून के रिश्ते ऐसे खत्म नहीं होते अमर, और ना ही टूट सकते हैं। बेटी हूं मैं उनकी, मुझे बहुत ज्यादा दुख है उनकी मौत का। जब जिंदा थे तब तो तुम्हें उनकी कदर ना हो, और मरने के बाद यहां आंसू बहा रहे हो तुम तो जो तो ये आंसू बहा रही हो जो सिर्फ पानी है। उपा जान को तुमने खून के आंसू रुलाए, खून के निशान। ये मेरी जिंदगी है और मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का पूरा हक है। अब मुझसे यह हक कोई भी नहीं छीन सकता। जाओ यहां से। अभी और इसी वक्त जाओ यहां से। ड्रॉप नहीं करोगे? हमदर्दी में ना सही, मुरवतन ही मुझे मंजिल तक छोड़ दो। छोड़ मैं तुम्हें बहुत पहले कर चुका हूं निशा, और रही बात मंजिल की, तो गलत इंसान के साथ सही मंजिल तक नहीं जा सकते तुम। जिस तरह आई थी उसी तरह लौट जाओ। मुझसे किसी किस्म की मोहब्बत और हमदर्दी की उम्मीद मत रखना, और अपना वक्त जाया मत करो। मुझे अपना वक्त जाया करने की बिल्कुल आदत नहीं है। और मुझे अपने वक्त की कीमत वसूल करना बहुत अच्छे से आता है। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत है।
वो मैं हासिल कर रहूंगी। रौनक थी इस घर पे, अब ऐसे है जैसे घर में ही कब्रिस्तान हो। पहले मीनू की मौत, फिर पापा जान, का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। रीज अपनों का दुख ऐसे ही बांटता है, लेकिन आपने हिम्मत करनी है। पप्पू को संभालना है, एक के बाद एक दुख ने उन्हें ढा दिया है, उन्हें संभालना है अपने, उनकी हिम्मत बन। रोने के लिए कंधा दे दिया आपने, क्या समझाना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाजाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाजाब सहना।